सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम में हम क्या ढूंढने वाले हैं? कोई भी दो पार्टिकल लेंगे m1 एंड m2, और उसका क्या ढूंढेंगे? सेंटर ऑफ मास। अब पार्टिकल तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, m1, m2, m3, अप टू mn, तो रिजल्ट एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंडेबल कर देंगे। पर पहले हम दो पार्टिकल सिस्टम लेंगे। सिस्टम वर्ड यूज़ किया, बॉडी यूज़ नहीं की, क्योंकि बॉडी के दो पार्टिकल्स हैं ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मैं m1 या m2, और हम क्या ढूंढ रहे हैं? इन हम दोनों का सेंटर ऑफ मास। तो इसके अंदर आप इमेजिन करें कि आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसके अंदर एक पार्टिकल है m1, एक पार्टिकल है m2। ड्रॉ करें, एक पार्टिकल m1, एक पार्टिकल m2। ठीक है, तो इसमें सपोज इस m1 और m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर और वो है r2 वेक्टर, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। ठीक, अब m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं, इनका कोई सेंटर ऑफ मास होगा। कहाँ पे होगा मुझे खुद नहीं पता कहाँ पर होगा, इमेजिन करो यहाँ पर होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ठीक, साथ साथ ड्रॉ कर लेना, आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर। ठीक, अब m1 m2 पार्टिकल्स, एक सिस्टम के पार्टिकल, जैसे मैंने बताया एक बॉडी के पार्टिकल्स नहीं हैं। एक सिस्टम का मतलब है जैसे दो पार्टिकल्स m1 m2, मैं सपोज़ इन m1 m2 पे फोर्सेस लगाता हूँ, जैसे दो पार्टिकल्स m1 m2 इन पे फोर्स लगाता हूँ, तो इनको यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा? मूव करेगा साथ के साथ। तो अगर ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहे हैं, तो मेरे को क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर मैं m1 m2 पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो पार्टिकल आगे जाएंगे। और एक्चुअल में फिजिक्स में फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस बॉडी की मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मान लो मैं आपके ऊपर फोर्स लगाता हूँ 10 और आपको अट्रैक्ट करता हूँ, और आप मेरे ऊपर लगाते हो 10, अब 10 और 10 इक्वल एंड ऑपोजिट है, और ये दोनों जो फोर्सेज हैं इससे हम मूव नहीं कर सकते। मूव करवाने के लिए बाहर से किसी को क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। तो हम दिखाने के लिए लिख तो रहे हैं, इसके ऊपर एक फोर्स ऐड कर रही है F1E वेक्टर। 1E वेक्टर का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज F2E वेक्टर। तो F1E वेक्टर, F1E वेक्टर एंड F2E वेक्टर क्या है इनके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन m1 एंड m2। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस है। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट करेंगी। तो इमेजिन करो ये आपके पास एक फोर्स है और ये दूसरी। इम्पॉर्टेंट ये जो आपकी इंटरनल फोर्सेस हैं हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट, ये एक ही लाइन में होंगी। ये कैसी भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी में आपके ऊपर जैसे मर्जी फोर्स लगाऊं, पर आप अपने ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट लगाओगे। तो इसका नाम है F12 वेक्टर, इसका नाम है F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर आर इंटरनल फोर्सेस ऑन M1 एंड M2। ठीक हो गया, तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं। अब इंटरनल फोर्सेस F12 वेक्टर और F21 वेक्टर आपस में कैंसिल करेंगी, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई। ठीक, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड दे विल कैंसिल ईच अदर।
ठीक है, तो अब अगर मैं ये बात करूं कि बताओ नेट फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस पूरे सिस्टम पे, सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्सेस रोल प्ले करेंगी, एक्सटर्नल। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ एफ वन ई वेक्टर एंड एफ टू ई वेक्टर। ठीक, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ वन ई वेक्टर को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर, और एफ टू ई वेक्टर को लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी टू वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर डी बाई डी टी ऑफ पी टू वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर, डी बाई डी टी कॉमन आ गया, या फिर नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी वन वैक्टर की जगह एम वन वी वन वैक्टर, पी टू वैक्टर की जगह एम टू वी टू वैक्टर। इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यहां तक। अब कोई कहता है इसमें तो तीन पार्टिकल हैं, तो मैं तीन पार्टिकल में नेट फोर्स कैसे निकालूं, भाई तू तीसरा भी ले ले। तो डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वैक्टर डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू वैक्टर डी बाई डी टी ऑफ एम थ्री वी थ्री वैक्टर। कोई कहता है जी मेरे पास तो चार पार्टिकल है, तो चार तक ले ले। कोई कहता है मेरे तो 50 पार्टिकल है, तो 50 तक ले ले। कोई कहता है 500 पार्टिकल है, तो 500 ले ले। कोई कहता है 5 करोड़ पार्टिकल है। अब मैं क्या बोलूँ उनसे यार, वो कैसे कैलकुलेट करेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, राइट। तो फिर एक स्टूडेंट कहता है देखो सर मेरे से नहीं होता ये नंबर ऑफ पार्टिकल वाला काम, मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास में। दो तक तो ठीक है आपकी कहानी, पर अगर 500 पार्टिकल हो गए मैं कितनी फोर्स कैसे निकालूंगा। तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो लोग यूज करते हैं वो पता है क्या बोलेंगे, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ टोटल मास बोलेंगे एम, बात ही खत्म। वो कहते हैं एम वन एम टू के चक्कर में पड़ते ही नहीं, जितने मर्जी पार्टिकल हो हमारे लिए टोटल मास एम, और वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस वो कहते हैं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, तो उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो जरूरी कोई इतने लंबे पार्टिकल्स के लिए काम करेगा, कोई ऐसे काम नहीं करेगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो चाहे आप इसका मतलब यहाँ से कैलकुलेट कर लो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। ठीक, तो अगर बात एक है तो क्यों ना ऐसा करें, इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू कर दें, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एम इन टू वी सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर। कोई डाउट इसमें, इक्वेट कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ, और जब मैं ऐसा करूँगा अब देखो क्या होगा, डी बाई डी टी से डी बाई डी टी हट गया, या ऐसे बोल लो ये जो टर्म है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 वन इंटू वी वन वैक्टर एम टू इंटू वी टू वैक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 वन इंटू v1 वेक्टर m2 into v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m। इस मास को मैं राइट साइड पे ले आया तो डिनोमिनेटर में मास m आ गया। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, दो। तो अगर दो पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू एम वन वी वन वैक्टर एम टू वी टू वैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, एम वन प्लस
एम टू, क्योंकि सिस्टम में टोटल मास है कितना, दो ही तो पार्टिकल है, तो एम की जगह एम वन प्लस एम टू। तो फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो, ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, एम वन वी वन वैक्टर एम टू वी टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक और फॉर्मूला आ गया। तो अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू वैक्टर, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वैक्टर का निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब आप और आप अगर वी वन वी टू में आपको दे दूँ, तो इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, चाहे हवा में एग्जिस्ट ही ना करता हो, कोई भी हवा का पॉइंट है वो मूव करेगा इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से। ठीक, फॉर्मूला नोट कर लिया यहाँ तक। अगर एन तक हो जाएगा चलेगा, एक्सपेंडेबल है, तीन पार्टिकल है, तीन वेक्टर सम है ना, वेक्टर चल रहा है, अपना डायरेक्शन एडजस्ट करेंगे, वेक्टर सम है। ठीक, करेंगे न्यूमेरिकल रूक अभी। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में वी वेलोसिटी क्या होती है, डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वैक्टर। तो इसकी जगह लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर सेंटर ऑफ मास का वैक्टर, है ना, वी की जगह डी बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर, एम वन इन टू वी वन की जगह डी बाई डी टी ऑफ आर वन वैक्टर, एम टू इन टू डी बाई डी टी ऑफ आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ये लो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी टी ऑफ आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर विल बी इक्वल टू, देखो एम वन को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, एम वन को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ये लो, तो एम वन को अंदर लेके एम टू को अंदर लेके डी बाई डी टी कॉमन आ गया, तो ये टर्म आ गई, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब फिर वही चीज, डी बाई डी टी के अंदर ये जो टर्म है और डी बाई डी टी, ठीक, डी बाई डी टी के अंदर ये जो टर्म है इन्हें इक्वेट करते हैं, तो आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या आएगा, एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। फॉर्मूला बुकलेट में आपने नोट किया था, याद है, ये नोट किया फॉर्मूला, ये प्रूफ आ गया कि पोजिशन वैक्टर सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ कि सपोज करो अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वन वैक्टर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वन कॉमा वाई वन, पार्टिकल एम वन का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वन कॉमा वाई वन, और पोजीशन वेक्टर क्या था, आर वन वैक्टर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर वन वैक्टर का पोजीशन था एक्स आई कैप वाई जे कैप, ये पोजीशन वैक्टर आ गया। ऐसे ही आर टू वैक्टर का क्या लिखेंगे, सॉरी एक्स वन एंड वाई वन, इसका क्या लिखेंगे, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप, ये सेकेंड आ गया। नेक्स्ट है आर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप, लिखें
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास क्या था अभी, आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर हमने निकाला था एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। चलो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप इज इक्वल टू एम वन आर वन वेक्टर की जगह एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस एम टू एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। वैल्यूज को पुट कर दिया, तो यहां से x सेंटर ऑफ मास i कैप y सेंटर ऑफ मास j कैप इज इक्वल टू, इसे ओपन करें तो m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से ओपन करके आई कैप कॉमन, जे कैप कॉमन, ठीक। तो एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप इज इक्वल टू एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आई कैप प्लस एम वन वाई वन एम टू वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये लो, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आई का कोफिशेंट आई के कोफिशेंट के साथ कंपेयर होगा, जे का कोफिशेंट जे के कोफिशेंट के साथ कंपेयर होगा। तो बन गया ना फॉर्मूला, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू और y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 by m1 plus m2। तो तीन फॉर्मूला मैंने लिखे थे r वेक्टर का, x सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास का, तीनों ड्राइव हो गए। और अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं तो रिजल्ट n तक एक्सपेंडेबल है। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट के अंदर ये रहा डेरिवेशन पूरी। तो इस डेरिवेशन के अंदर टू पार्टिकल सिस्टम सेम डायग्राम जो अभी ड्रॉ किया, सेम इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर पोजीशन वेक्टर्स पुट करके आर सेंटर ऑफ मास, फिर अभी अभी जो पुट किया आई कैप जे कैप एक्स एंड वाई। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मैंने लिख के भी दिया हुआ है सारा, तो आपको लिखवा भी दिया, लिख भी लिया, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि दोनों टॉपिक हो गए।